और खेतों की तस्वीरें। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया और इसके लिए कुछ ही घंटे बाद बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की यह तस्वीर दिखाई। उन्होंने दावा किया कि कचरे से भरी गंदी नदी की यह तस्वीर भारत की नहीं बल्कि अमेरिका के न्यूयॉर्क की बफलो नदी की है। उन्होंने घोषणा पत्र में पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े पन्ने की एक और तस्वीर दिखाई और दावा किया कि यह थाईलैंड के खेतों की तस्वीर है। बीजेपी ने इन दो तस्वीरों का हवाला देते हुए कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र पर ही उंगली उठा दी और कांग्रेस को घेरा कि अभी तक तो वे कहती थी कि उनके अकाउंट्स कौन कौन हैंडल करता है, भाई ये तो मैनिफेस्टो में कौन कौन कर रहा है ये तो पता लगना चाहिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र रखा और प्रधानमंत्री की गारंटी के जवाब में 5 न्याय का दांव खेला। और ये घोषणा पत्र जारी करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस का यह घोषणा पत्र 48 पन्नों का है और इसे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जारी किया। 48 पन्नों के घोषणा पत्र के कवर पेज पर न्याय पत्र लिखा गया और उस पर खड़गे और राहुल गांधी की तस्वीर नजर आई। इसके बाद खड़गे घोषणा पत्र के बारे में भाषण देने आए, लेकिन घोषणा पत्र की बातों का जिक्र करते हुए जब तालियों की आवाज कम हुई तो उन्होंने वहां बैठे नेताओं को टोक दिया। इसके बाद ये नेता हंस पड़े और जोर से तालियां बजाए। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया गया। पार्टी की ओर से वादा किया गया कि सत्ता में आने पर मजदूरों की मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन कर दी जाएगी। इसके अलावा गरीब परिवारों की महिलाओं को साल में 1,00,000 रुपए देने और MSP पर कानून बनाने और जाति जनगणना का भी वादा किया गया। उधर पाकिस्तान के कई जजों को 2 दिन पहले जो धमकी भरे लिफाफे भेजे गए थे उनमें जहर पाया गया और इस बात की पुष्टि किसी और ने नहीं, वहां के फोरेंसिक विभाग ने।